हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ मेरा करवा चौथ मेकअप लुक, जिसमें मैंने करवा चौथ के दिन जो मेकअप किया था वो आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ। तो जहाँ पर भी व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम पर मैंने जब पिक्चर पोस्ट करी तो बहुत सारे लोगों ने मुझे मेरे आउटफिट के लिए पूछा था और मेरे मेकअप के लिए पूछा था। तो गाइज़ आप लोगों को बता दूं कि ये आउटफिट जो है मुझे योयो फैशन से रिसीव हुआ है, बहुत ही अच्छा आउटफिट है। अगर आप इस आउटफिट को बाय करना चाहते हो तो सेल के अंदर आप अंडर 2000 के अंदर आप जो है इसे बाय कर सकते हो। इसमें और भी कलर ऑप्शन जो है वो अवेलेबल है और मुझे ओवरऑल ये सूट बहुत अच्छा लगा। और अब स्टार्ट करती हूँ अपने करवा चौथ मेकअप के साथ में। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं अप्लाई कर रही हूँ बायोटिक सीरम, उसके बाद में मैं प्लम का नाइट जेल अप्लाई कर रही हूँ। ये मेरे फेस को बहुत अच्छे से हाइड्रेट करेगा और मेरे मेकअप को लॉन्ग लास्टिंग बनाएगा। बहुत ही अच्छा नाइट जेल है ये। तो उसके बाद में मैं यूज़ कर रही हूँ मेबेलिन का एज रिवाइंडर कंसीलर, उसे मैं अपनी आईलिड और अंडर आई पर अप्लाई कर लूँगी। फिर वेट ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से उसे टैप टैप करते हुए सेट कर लूँगी। आप देख सकते हैं मैंने किस तरीके से सेट किया है। उसके बाद में मैं मेकअप रिवेलेशन का द ब्रेव पैलेट में से ब्लैक आई शेडो लूँगी और उसे एक आईब्रो ब्रश के ऊपर लेते हुए अपनी आईब्रो के एक्स्ट्रा एयर गैप को फिल कर लूँगी। इससे आईब्रो का लुक जो है थोड़ा बोल्ड और शार्प दिखेगा। तो यहाँ पर मैं अपनी आईब्रो को अच्छे से सेट कर रही हूँ, आप देख सकते हैं। आईब्रो को सेट करने के बाद मैं सेम कंसीलर को अपनी अंडर आई और अपर आईब्रो के ऊपर इसे अप्लाई करूँगी ताकि मेरी आईब्रो का शेप और भी अच्छा और बोल्ड दिखे। उसके बाद मैं सेम ब्यूटी ब्लेंडर से डैप डैप करते हुए इस कंसीलर को बहुत अच्छे से सेट कर लूँगी। कंसीलर को अच्छे से सेट करने के लिए मैं यहाँ पे पाउडर यूज़ कर रही हूँ। उसके बाद मैं सेम पैलेट में से लाइट ब्राउन कलर पिक कर रही हूँ और उसे अपनी क्रीज लाइन पर अप्लाई कर रही हूँ एक ट्रांजिशन कलर देने के लिए फ्लफी ब्रश की हेल्प से। तो इस ट्रांजिशन कलर को मैं अपनी दोनों आईज़ में अप्लाई कर लूँगी। ये बहुत ही लाइट कलर है और ट्रांजिशन कलर को हमेशा लाइट शेड से ही डिफाइन करना चाहिए, तो मैंने यहाँ पे लाइट शेड पिक किया है। उसके बाद सेम पैलेट में से मैं डार्क चॉकलेट कलर पिक करूँगी और उसे अपनी आई कि आउटर विंग पर अप्लाई कर लूँगी दोनों साइड में। आप देख सकते हैं ये दूसरा फ्लफी ब्रश मैंने लिया है। उसके बाद में मैं एक कंसीलर ब्रश लूँगी और उसे एले गर्ल कंसीलर यहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ, उसे कंसीलर ब्रश की हेल्प से मैं उसे अपने आईलिड एरिया पर अप्लाई कर लूँगी उस कंसीलर को, और अगेन वेट ब्यूटी ब्लेंडर से डैब डैब करके कंसीलर को अच्छे से सेट कर लूँगी। याद रहे आपको जो ये कंसीलर है 3/4 आई तक ही अप्लाई करना है, आपको फुल आई पर ये कंसीलर अप्लाई नहीं करना है अपनी आई को एक अच्छा लुक देने के लिए। उसके बाद में मैं कंसीलर के शेड का ही एक मैट कलर पिक कर रही हूँ, उसको मैंने अपनी आईलिड पर अप्लाई किया और सेम आईलिड पर एक शिमर कलर जो कि थोड़ा लाइट न्यूड कलर है उसे अपने फिंगर की हेल्प से अप्लाई कर रही हूँ। उसके बाद मैं यूज़ कर रही हूँ आईलाइनर जो कि फेसेस का है और इसे यूज़ करते हुए मैं एक लाइट विंग आईलाइनर ड्रॉ कर लूँगी। अपनी दोनों आईज़ में आईलाइनर ड्रॉ करने के बाद मैं एक स्मज ब्रश लूँगी और लोअर लैश लाइन के नीचे डार्क चॉकलेट कलर जो कि मैंने आई शेडो की आउटर विंग पर अप्लाई किया था आईज़ की, उसी को मैं स्मज करते हुए लोअर लैश लाइन के नीचे जो है अप्लाई कर लूँगी। उसके बाद मैं मेबेलिन काजल यूज़ कर रही हूँ जिसे सिर्फ और सिर्फ अपनी वाटर लाइन पर अप्लाई करूँगी और इसे भी मैं 3/4 आई तक ही अप्लाई करूँगी, पूरी आई पर अप्लाई नहीं करूँगी। अपनी लैशेज़ को कर्ल करने के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ लैश कर्लर यूज़ कर रही हूँ। उसके बाद मैं मेबेलिन का ये हाई वॉल्यूमलाइज मस्कारा यूज़ कर रही हूँ। आप चाहे तो फॉल्स लैशेस भी अप्लाई कर सकते हैं बट मैंने अप्लाई नहीं करी थी। उसके बाद मैं प्राइमर यूज़ कर रही हूँ, उसके लिए मैंने यूज़ किया है कलर बार का परफेक्ट मैच प्राइमर, और उसके बाद मैं यूज़ कर रही हूँ पैक का फाउंडेशन और उसमें मैं यूज़ कर रही हूँ लॉरियल इल्यूमिनेटिंग हाइलाइटर्स जो कि आपने मेरे नायका हॉल में देखा होगा। दोनों को मिक्स करूँगी और अपने फाउंडेशन को अपने फेस पर वेट ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से अप्लाई करूँगी। यहाँ पर मैंने जो इल्यूमिनेटिंग अप्लाई किया है लॉरियल का, वो बहुत ही अच्छा है इसे फाउंडेशन से मिक्स करने पर एक ग्लो लुक
ग्लोई फेस दिखता है हमारा, जो कि फेस्टिवल के लिए बहुत अच्छा होता है। अगर आप नाइट पार्टी या डिनर या आप किसी भी फंक्शन के लिए नाइट में जा रहे हो तो ग्लो लुक देता है, ग्लोई फेस बनाने के लिए बहुत अच्छा रहता है। उसके बाद मैं कॉन्टोरिंग के लिए यूज़ कर रही हूँ मेबलिन का मास्टर पैलेट और एक कॉन्टोर ब्रश की हेल्प से अपने चिक बोन की, जॉ लाइन की और नोज़ की कॉन्टोरिंग कर लूँगी। के लिए मैं सेम पैलेट में से ब्लश पिक कर रही हूँ एक ब्लश ब्रश की हेल्प से और अपनी एपल ऑफ द चीक पर जो है इस ब्लश को अप्लाई कर लूँगी स्माइल करते हुए। ब्लश अप्लाई करने के बाद मैं यूज़ करूँगी लिप लाइनर, मेबलिन का लिप लाइनर जो कि एक ऑरेंजिश रेड कलर है, उसे अपने लिप्स पर अप्लाई कर लूँगी। उसके बाद मैं लिपस्टिक के लिए यूज़ कर रही हूँ फेसेस की ऑल टाइम प्रो रेड रेबल शेड, जो कि मेरा फेवरेट रेड कलर शेड है, उसे अपने लिप्स पर अच्छे से अप्लाई कर लूँगी और बिंदी लगाकर अपने लुक को ऑलमोस्ट मैंने कंप्लीट कर लिया है। यहाँ पर हेयर स्टाइल के लिए मैंने सिंपल पिन लगाई है और एक बन बना लिया है। मैं हाइलाइटर लगाना भूल गई थी इसलिए अब मैं अपनी आई की इनर कॉर्नर पर हाइलाइटर लगा रही हूँ और लॉन्ग ईयरिंग्स वियर करे हैं मैंने। उसके बाद मैं अप्लाई करूँगी अपने मेकअप को लॉन्ग लास्टिंग बनाने के लिए फेसेस का ये मेकअप सेटिंग स्प्रे और गजरा लगाकर अपने बन को कंप्लीट कर लूँगी मैं, जो कि मेरा फेवरेट है। फेस्टिवल सीजन में मुझे गजरा बहुत पसंद है और आप देख सकते हैं सिंदूर लगाकर मैंने अपने लुक को जो है कंप्लीट कर लिया है। तो आपको अगर ये मेरा मेकअप लुक पसंद आए तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। और यहाँ पे मैंने गोल्डन और रेड कलर की बैंगल्स वेयर करी है जो कि मेरी ड्रेस के साथ बहुत अच्छे से मैच हो रही है। और आपको ये मेरा मेकअप लुक अगर अच्छा लगे तो नीचे कमेंट ज़रूर करना और इस वीडियो को शेयर ज़रूर करना। आप इसे इस मेकअप को जो है दिवाली में भी रेडी कर सकते हैं। थैंक यू गाइज, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो के अंदर। बाय बाय।